ये सब सपा बसपा कांग्रेस ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश धर्मपाल लोधी बूथ अध्यक्ष को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए प्रचंड जीत के गुरु मंत्र दिए। वहीं धर्मपाल लोधी ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सब सपा बसपा और कांग्रेस ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं। धर्मपाल लोधी ने कहा कि हम बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के उपकरण में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जिनको दोबारा से जीत का ताज पहनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत रामपुर में झोंक दी है। हालांकि घनश्याम सिंह लोधी अच्छी छवि वाले बेदाग इंसान हैं और रामपुर के हर समुदाय में उनकी पकड़ है। रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। रामपुर की जनता ने दोबारा घनश्याम सिंह लोधी को लोकसभा का चुनाव जिताने का मन बना लिया है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो विकास की नीतियां हैं, रामपुर को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं। इसलिए रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के मन में पूरी तरीके से। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर के सारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो रैली कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? ये सब सपा बसपा कांग्रेस ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं। केजरीवाल की जमानत न हो रही है, इसमें रिमांड पर है। केजरीवाल के तमाम मंत्री जिनके मैंने नाम गिनाए हैं वहाँ कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से मना कर दिया है, तो इसलिए ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर से जो कैंडिडेट है वो एक मौलाना है, इमाम है, वही आजम खान ने जिसको कैंडिडेट बनाया था उनका पर्चा भी निरस्त हो गया, तो ऐसे में क्या कहेंगे? हम बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का उपक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद।